Hello and welcome to the new chapter, Surface Chemistry, Example Problem. So let us start some questions of NCERT Example Problem. So first question is before you. Which of the following process does not occur at interface of phases? Interface पे इनमें से कौन सी reaction नहीं होती, इनमें कौन सी process नहीं होती, वो आपको बताना है. Crystallization या फिर हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस या फिर होमोजीनियस कैटालिसिस और कोरोजन, बताइए. सो आपने अगर ऑप्शन सी सोचा है तो बिल्कुल ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस नहीं होती. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. At equilibrium position in the process of adsorption, adsorption जब आ जाएगा, so delta H will greater than zero or T delta S or greater than T delta S or less than T delta S, क्या option होगा इसका equilibrium में? तो equilibrium में आप ये आसानी से अंदाज भी लगा सकते हैं, it will equal to T delta S. Now come to the next question. Which of the following interface cannot be obtained? कौन सा interface obtained नहीं किया जा सकता? तो गैस गैस ऑप्टेड नहीं किया जा सकता, वहां मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई सरफेस इंटरफेस नहीं रह जाता. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड फॉर, रिमाइंड कीजिए आपने क्या पढ़ा है, सॉर्प्शन ऑक्लूजन इस तरह के टॉपिक आपके में आए होंगे. तो जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. एक्सटेंट ऑफ फिजिसॉर्प्शन ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विद, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो इनमें से किस कंडीशन में इंक्रीज करता है? चेक कीजिए सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं. तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ही इंक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर जो मूवमेंट है गैस की, काइनेटिक एनर्जी है, वो कम हो जाती है और इस वजह से फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है. नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इंक्रीजेज विद, किस कंडीशन इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीजेज इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन सॉल्यूशन, डिक्रीजेज इन सरफेस एरिया, इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन द सॉल्यूशन, बताइए आपने जो पढ़े उनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है. तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट इन द सॉल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फेनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के फेनोमेना में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो. तो डेल्टा एच दो जगह आ गया है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इनमें से कोई सा एक आंसर होगा. तो फर्स्ट इज योर राइट आंसर, इट शुड नॉट ग्रेटर देन जीरो, इट शुड लेस देन जीरो. नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a favorable condition for physical adsorption, physical adsorption में favorable condition कौन सी नहीं है? तो ये भी आप just करके चुके हो, high temperature नहीं होता है इसमें, low temperature favor करता है. Now come to the next question. Physical adsorption of a gaseous species may change to chemical adsorption with, physical adsorption है वो chemical adsorption में change हो सकता है, किस condition में change हो सकता है? तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे फिजिकल होता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्बेंट डज नॉट शो स्पेसिफिसिटी फॉर एनी पर्टिकुलर गैस बिकॉज, फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी गैस एड्सॉर्ब हो जाती है, क्यों हो जाती है आपको बताना है इसका. इन्वॉल्व वंडरवाल फोर्स आर यूनिवर्सल, गैस इन्वॉल्व बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो और इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. सो यू कैन अंडरस्टैंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द राइट आंसर, सारी गैसेज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर अट्रैक्ट होती हैं, इस वजह से वो इस तरह का बिहेवियर शो करती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब एड्सॉर्प्शन नहीं कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से, खुद भींग जाता है, तो बल्क में भी वाटर मिलेगा हमें, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का.
चलिए चलते हैं अगली वाली क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन बिलो प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग गैस शोज लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। डाटा दिया गया है आपके आपको इसमें, और कह रहे हैं कि कौन सी गैस है वो शो करेगी लीस्ट एड्सॉर्प्शन, सबसे कम एड्सॉर्प्शन शो करेगी। तो देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर हाइड्रोजन का सबसे कम है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एड्सॉर्प्शन सबसे कम हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इज इन्वॉल्व। तो ये इस साल के सिलेबस में तो हटा दी गई है, लेकिन फिर भी आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर इसको पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो, सेम फेज में नहीं हो। तो देखिए कौन कौन सा ऐसा है रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस इन्वॉल्व। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है, तो ये चेक कीजिए आप। देखिए इसमें ये सॉलिड है, ये गैस है, ये डिफरेंट फेज में हो गए, बी वाला हो गया एक तो सही, और देखिए ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सी वाला भी हो गया, और ये बस ये सारी लिक्विड हैं, ये सारे के सारे गैस हैं। तो बी और सी वाला आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव एज, जब कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो किस तरह का बिहेव हो जाता है आपने पढ़ा है, एसोसिएटेड कोलाइड ही काम करते हैं, लो कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट और हाई कंसंट्रेशन पे वो बिहेव करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल की तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन सा शो करेगा, तो टिंडल इफेक्ट वही शो करेगा जिसमें कोलाइडल साइज के पार्टिकल हो जाएंगे। तो देखो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप बिलो क्रिटिकल सीएमसी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप अबव सीएमसी, एक्वा सोडियम क्लोराइड और एक्वा शुगर, तो ये दोनों तो करेंगे नहीं, परफेक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, ये कोलाइडल बनाएंगे, और कोलाइडल कब बनेगा जब एबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन हो जाएगा, तभी तो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा, तभी मिसेल बनेंगे। अगला क्वेश्चन, मेथड बाई विच लायोफोबिक सॉल्ट कैन बी प्रोटेक्टेड, लायोफोबिक मतलब जो वाटर हीटिंग है, जो लिक्विड हीटिंग सॉल्ट है उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है बताइए, बाई एडिंग अपोजिटली चार्ज सॉल्ट इससे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इससे भी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बाई एडिंग लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफोबिक में लायोफिलिक मिला तो ये सही है, लायोफिलिक मिल जाएगी तो उसको प्रेसिपिटेट होने से बचाएगी, बॉयल करने से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम्स गेट कन्वर्टेड इंटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाई प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है कोलाइडल सॉल्यूशन में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोगुलेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस या डिफ्यूजन या पेप्टाइजेशन। तो आपने अगर सही से पढ़ा है तो आपको ऑप्शन याद आ गया होगा, इट इज पेप्टाइजेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू फॉर एजी पाई ऑब्लिक एजी पॉजिटिव, इसके लिए मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी है, मतलब बढ़िया कोलाइड कौन सा है आपको ये बताना है इस ऑप्शन के लिए। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा आयनिक चार्ज होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है लेकिन पी ओ 4 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी एस ओ 4 के ऊपर 2 नेगेटिव है और सी एल के ऊपर सिंगल नेगेटिव है, सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ए जी पॉजिटिव को डिपॉजिट कराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाली सॉल्व होनी चाहिए, फास्फेट आयन होगा ऐसा। Now come to the next question. A colloidal system having a solid substance as dispersed phase and a liquid as dispersion medium is classified as. तो solid है इसका dispersed phase और liquid है इसका dispersion medium. क्या बोलते हैं इसको आपको बताना है. बताइए आपका option क्या है. जल्दी सोच लीजिए. So it is called solid. Now come to the next question. The value of colligative property of colloidal solution are of small order in comparison to those shown by true solution of same concentration because of colloidal particles. आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा पार्टिकल होंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन में एसोसिएटेड हो जाते हैं तो पार्टिकल की संख्या कम हो जाती है, बताइए क्या ऑप्शन लग रहा है।
बिल्कुल सही सोचा आपने, आर कंपेरेटिवली लेस इन नंबर, पार्टिकल कम रह जाते हैं, कोलाइडर सॉल्यूशन बनेगा। फिर कह रहे हैं अब देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डायग्राम इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस इन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से अरेंज द फॉलोइंग डायग्राम इन करंट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ए बी सी डी ई का आपको दिया गया है, मैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता है सबसे पहले जो रिएक्टेंट हैं ए और बी वो सरफेस पे अप्रोच करने चाहिए, फिर उसके बाद उनको सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होना चाहिए, फिर आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाने चाहिए, फिर आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना चाहिए और फिर सरफेस से अलग हो जाने चाहिए। ये आपके स्टेप होते हैं, इस बेस पे आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ए सी बी डी वाला ऑप्शन आपने चेक कर लिया होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट ए प्लेस वेयर रिवर मीट्स द सी, किस प्रोसेस की वजह से डेल्टा बनते हैं। तो ये बहुत आसान आंसर है, आपको ऑलरेडी पता होगा ये आंसर, कोगुलेशन हो जाता है वहां पे, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है सी का वाटर और कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है रिवर वाटर, और वो कोगुलेट कर देता है उसका इलेक्ट्रोलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इन अकॉर्डिंग विद द फ्रेंडलिस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, कौन सा ग्राफ है जो फ्रेंडलिस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को क्लियर करता है। ये ग्राफ आपके सामने है, आप बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। सो आपने चेक किया होगा, थर्ड इज द राइट आंसर, लॉग एक्स अपॉन एम और पी में आप देखेंगे एक इंटरसेप्ट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सॉल पार्टिकल, कौन सी प्रोसेस है जो चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल पार्टिकल, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम सॉल्यूशन, तो यही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयनिक स्पीसीज फ्रॉम सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज एप्लीकेबल टू द प्रोसेस शोन इन द फिगर 5.1। 5.1 में जो प्रोसेस बताई जा रही है, ये देखिए एक फनल लगा हुआ है ब्यूरेट के ऊपर, कॉलम और इसमें एनिमल चारकोल भरा हुआ है कॉलम में, और रॉ इसमें येलोइश ब्राउन कलर का भरा हुआ सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन निकल के आता है। तो ये क्या कर रहे हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज एप्लीकेबल, कौन सा फेनोमेना इसमें से काम कर रहा है इसके ऊपर। तो एड्सॉर्प्शन काम कर रहा है, यही कल जो पिगमेंट है उनको चारकोल पे एड्सॉर्ब करा लेता है और क्लियर सॉल्यूशन को नीचे भेज देता है। चलिए तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपके जो assertion region based question है उनके ऊपर। तो assertion region based जो questions हैं आपके वो start हो जाएंगे यहाँ से। तो assertion region में option आपको पहले दे दिए गए हैं, अगर दोनों सही हैं और correct explanation है तो ये है, दोनों सही हैं लेकिन correct explanation नहीं है तो B वाला है, थर्ड वाला है assertion सही है रीजन गलत है, फोर्थ वाला है बोथ assertion रीजन इसके गलत हैं, और फाइव वाला है assertion करेक्ट है लेकिन रीजन सही है तो इसके लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इम्प्रीगेंटेड विद कोलाइडल सॉल्यूशन स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल दिया जाए तो ये स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। रीजन दे रहे हैं पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर बिकम्स मोर देन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है बिकम्स मोर देन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल के साइज से उसका पोर बड़ा होता है इसलिए वो पास हो जाते हैं आसानी से। तो बताइए क्या लग रहा है,
बिकम्स मोर वाली बात कह दी यहाँ पे, बिकम्स इसलिए ये गड़बड़ है। थर्ड ऑप्शन होगा इसका, थ्री। थ्री ऑप्शन का मतलब, थ्री ऑप्शन का मतलब है कि assertion is correct but reason is incorrect। Now come to next question। Colloidal solution show colligative property। Colloidal particles are larger in size। बड़े साइज के होते, कितने बड़े होते हैं तो नहीं बताया, लार्जर इन साइज होते हैं, colligative property show करते हैं। तो बताइए क्या लग रहा है इसमें आपको? तो ये तो सेकंड वाला लग रहा है, assertion reason both are correct बट डज नॉट एक्स, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बड़े तो होते हैं लेकिन कितने बड़े क्या होते हैं उसके बारे में कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलाइडर सॉल्यूशन डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन। कोलाइडर सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट नहीं दिखाता है। ब्राउनियन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सॉल, स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बताइए क्या लग रहा है? ये पहला पार्ट तो एकदम गलत ही लग रहा है। वैसे भी हम लोगों को assertion collider solution तो शो करता है ब्राउनिंग मूवमेंट, यानी कि फिफ्थ वाला हो जाएगा इसका, assertion wrong है और जो रीजन है वो सही है। 76 क्वेश्चन। कोगुलेशन पावर ऑफ Al3 पॉजिटिव इज मोर देन Na पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयन एडेड ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, हार्डी-शुल्जे रूल। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हार्डी-शुल्जे रूल के हिसाब से ही इसकी भी जो कोगुलेटिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। डिटर्जेंट विच शो लो CMC यानी लो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन आर मोर इकोनॉमिकल टू यूज, वो ज़्यादा सस्ते होते हैं। फिर कह रहे हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट बिकम्स इक्वल टू CMC। अब बताइए क्या लग रहा है कि जिनके CMC लो होते हैं, मतलब लो कंसंट्रेशन पर ही मिसाइल बनना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो सही बात है, जो साबुन या डिटर्जेंट के साफ करने की प्रोसेस है वो मिसाइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मिसाइल बन जाती है तभी जाके वो गंदगी को साफ करता है। तो जितने कम कंसंट्रेशन में मिसाइल बन जाएगा उतने थोड़ा डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, हमें कम में काम चल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड जस्ट प्रिपेयर दिस चैप्टर by understanding this question. Thank you.